गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट आशीष बरुआ फ्रॉम बरुआज वे। आज है 29th of July 2022। करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। प्लीज वॉच टिल द एंड टू गेट द मोस्ट इन्फॉर्मेशन। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक द वीडियो एज इट इंस्पायर्स मी टू पुट मोर इफोर्ट एंड मेक न्यू बेटर क्रिएटिव एंड इफेक्टिव कंटेंट फॉर यू। विदाउट फर्दर एडियू, लेट्स बिगिन। डॉलर इंडेक्स आप देखोगे कि फर्स्ट टाइम ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे आया है। कल हल्का सा ट्रेंड लाइन के नजदीक ही क्लोज दिया था, आज उसके नीचे आ रहा है। अभी जो है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये है आपका 105.50 से 105.75 का लेवल्स। इसके नीचे अगर कंटिन्यू करता है, देन आने वाले दिनों में हमें इसको देखना है 103.50 से 103.75 लेवल। डॉलर रुपी काफी नीचे आ चुका है। हमारा जो मींस यहाँ पे बेसिकली हमारा दो कैलकुलेशन था। पहले एक कैलकुलेशन था कि कीपिंग 79.60 स्टॉप लॉस, वी मे थिंक अबाउट 80.60। एंड कल का जो और एक कैलकुलेशन था, बिलो 79.60 we have another target, that is the 78.80 से 79.00। तो अभी काफी तेजी से प्राइस उस डायरेक्शन में जाने का कोशिश कर रहा है। करेंटली ये है 79.36। जीबीपी डॉलर आपका अभी है 1.2190। ये आप इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 1.2200 इस रेजिस्टेंस लेवल पे है, और आने वाले दिन में इसको ये 1.22 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 1.2350 से 1.2370 एंड देन आपका 1.2 उससे पहले आएगा आपका 1.2500 से 1.2525 एंड देन 1.2675 से 1.2700। अभी यूरो डॉलर में कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है एंड आज हल्का सा ग्रीन कैंडल फॉर्म आया है एंड वी है 1.0216। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा आपका 1.2275 से 1.0275 से 1.0300 के वहां पे, ये अगर तोड़ देगा तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा आपका 1.0380 से 1.0400। डॉलर येन में काफी सेल ऑफ दिख रहा है, जो काफी टाइमों से हम इसको इंतजार कर रहे थे कि मींस इसको काफी नीचे आना है। बहुत टाइम के बाद 21 जुलाई को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद अभी है 133.12। ये हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था 134.25 से 134.50, उसके नीचे ये अभी ट्रेड कर रहा है। दैट बीइंग द केस, काफी मींस जल्दी ही हमें 131.00 से 131.25 देखने को मिलेगा इन डॉलर येन। जीबीपीएनआर में आपका कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है, दैट इज मींस ए पॉज कैंडल, एंड ये जो स्पिनिंग टॉप हुआ है ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद, दैट इज 96.60 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ब्रेक करने के बाद ये स्पिनिंग टॉप आया है। व्हाट इट मींस, इट्स अ पॉज कैंडल, एंड इसका मतलब क्या है, प्राइस अगर ये स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 98.25 से 98.50। अगर ये स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे ट्रेड करता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ रिट्रेस होने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। यूरो एनर में आपका कल एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बनाया है, लेकिन प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट द लोअर एंड, आपका 80.60 से रिजेक्ट होके ये 81.15 के आसपास क्लोज दिया था। तो अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर करेंसी पेयर में ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, 82.00 82.10 ऑन द हायर साइड एंड 80.50 से 80.60 के आसपास एक प्राइस चॉपी वोलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं।
ये नैनर में हम काफी टाइम से इसको बोल रहे थे कि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट टुवर्ड्स 0.6125 की तरफ आना चाहिए। जो लोग मेरा ये रेगुलर एनालिसिस आप देखते हो, वेदर इट इज अ डेली एनालिसिस और एन वीकली एनालिसिस, आप सभी इस बात से एग्री करेंगे कि ये कंसोलिडेशन के बाद हम ये नैनर में 0.6150 की तरफ एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। सिर्फ हमें इंतजार था कि आरएसआई ये 60 के ऊपर चला जाए। अभी ये 60 के ऊपर आरएसआई चला गया है, तो काफी तेजी से ये ऊपर की तरफ आने का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इमीडिएट जो हार्डल्स है, छोटा हार्डल्स ये है एक 0.5980 के आसपास, देन इसको ब्रेकआउट कर लेगा इस रेजिस्टेंस को, देन वी में एक्सपेक्ट 0.61 से 0.6150 के तरफ। डॉलर कैंडी में अगर हम देखेंगे तो कल हम इसका जो 1.28 का जो सपोर्ट था काफी टाइम से था, वो टूट गया है। और ऐसे भी हमारा एक्सपेक्टेशन था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अगर प्राइस क्रॉल करता है, इन सच ए सिनेरियो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि वो सपोर्ट या वो रेजिस्टेंस लेवल को काफी जल्दी बहुत जल्दी ही ब्रेक करना चाहिए, हायर प्रोबेबिलिटीज। और हमने ये देखा कि कल ये ब्रेक कर चुका है। हालांकि ये बाउंस बैक देके 1.2869 तक गया था, लेकिन सेलर्स गॉट एक्टिव एंड ब्रॉट दिस पर्टिकुलर प्राइस बिलो 1.2800। अभी आने वाले दिनों में हमें प्राइस एक्शंस देख के शॉर्ट अपटिक्स एंड शॉर्ट अपटिक्स करना है। एंड जो हमारा मींस मीडियम टर्म टारगेट होगा 1.25 से 1.2525 के तरफ। ऑसी डॉलर में हम अगर देखेंगे तो कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस हुआ है, एंड ये स्पिनिंग टॉप के मींस इट्स अगेन ए पॉज कैंडल, नथिंग न्यू अबाउट दिस डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप कैंडल। इसके हाई के ऊपर ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन, ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 0.7050 से 0.7075 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देना देने से तो हमें देखना है 0.7250 के तरफ इसका इमीडिएट टारगेट हम देख सकते हैं। डॉलर सीएनएच में जो मदर कैंडल 14 जुलाई का मदर कैंडल अभी भी इसके नीचे ट्रेड नहीं हो रहा है। हालांकि डॉलर रूपी में जो मदर कैंडल है 14 जुलाई को उस मदर कैंडल को ये तोड़ चुका है एंड नीचे की तरफ काफी शार्पली जा रहा है। तो अभी सीएनएच भी अगर ये मदर कैंडल के नीचे आ जाता है, देन ये डॉलर रुपए में स्पीड जो होगा नीचे आने का, यानी रुपी एप्रिशिएट होने का, वो काफी तेज हो जाएगा। यूके ऑयल में हम देखेंगे कि ये ऊपर लेवल कल कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है। अगेन व्हाट इट मींस, व्हाट इट सिग्निफाइज, इट्स अ पॉज कैंडल एंड पॉज कैंडल के हाई के ऊपर ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन, नीचे के पॉज कैंडल के नीचे नीचे की तरफ एक सेल ऑफ एक्सपेक्टेशन है। तो अभी हमें इंतजार रहेगा थोड़ा सा पार्टिकुलर ये प्राइस किधर जा रहा है। अगर हम यूएस 10-ईयर ट्रेजरी देखेंगे, यूएस 10-ईयर ट्रेजरी कल काफी टाइम के बाद ये जो इमीडिएट सपोर्ट था 2.7190 इसको तोड़ चुका है। देन व्हाट इट सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज ए कंटीन्यूअस लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस। अभी जो हमारा स्विंग हाई है ये आपका 3.10 से अभी आपका आ गया है 2.85, 2.85 के ऊपर ये आने वाले दिनों में क्लोज देना नहीं चाहिए। देन इन सच ए सिनेरियो ये नीचे नीचे ग्रेजुअली नीचे की तरफ आना चाहिए। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर ये प्रेजेंटेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एज वेल एज सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।